ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱵᱚ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱚ ᱞᱚᱠᱷᱤ ᱜᱟᱲ ᱫᱩᱢᱠᱟ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱦᱚᱲ ᱠᱤᱱ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱮᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱤᱧ ᱠᱷᱚᱡ ᱮᱠᱥᱴᱨᱤᱢ ᱨᱟᱭᱤᱴ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱨᱤ ᱫᱤᱯᱚᱠ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱡᱤ ᱦᱮᱸ ᱡᱟᱢᱟᱞᱯᱩᱨ ᱥᱮ ᱟᱭ ᱦᱩᱭ ᱦᱮᱸ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱡᱤᱛᱮᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱡᱤᱛᱮᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱠᱷᱚᱡ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱤᱛᱮᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱠᱷᱚᱡ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ਡਿᱥᱠ਷ਨ ᱥᱩᱨᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱥᱮ ᱯᱟᱦᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱥᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱵᱟᱛᱟ ᱫᱮ ᱠᱤ ᱵᱤᱰᱤᱭᱳ ᱠᱤᱭᱩ ᱠᱚᱨ ᱨᱮ ᱤᱥ ᱞᱤᱭᱮ ᱠᱤ ᱵᱚᱦᱩᱛ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱟᱵᱷᱤ ᱛᱚᱠ ᱦᱚᱢ ᱞᱚᱜ ᱠᱟ ᱟᱫᱤᱵᱟᱥᱤ ᱢᱮ ᱠᱚᱭ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱵᱮᱜᱮᱨᱟ ᱱᱟᱦᱤ ᱦᱮ ᱛᱚ ᱡᱚ ᱵᱷᱤ ᱤᱱᱤᱥᱤᱭᱮᱴᱤᱵ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱯᱱᱮ ᱥᱮ ᱞᱮᱱᱟ ᱦᱮ ᱛᱚ ᱩᱥᱠᱮ ᱞᱤᱭᱮ ᱛᱟᱠᱤ ᱦᱚᱢ ᱞᱚᱜ ᱡᱚ ᱟᱯᱱᱮ ᱢᱮ ᱠᱟᱢ ᱠᱚᱨ ᱨᱮ ᱦᱮ ᱭᱟ ᱯᱷᱤᱨ ᱟᱪᱤᱵᱟᱨᱥ ᱦᱮ ᱛᱚ ᱦᱟᱢᱟᱨᱮ ᱞᱚᱜ ᱭᱟ ᱫᱩᱥᱨᱮ ᱞᱚᱜ ᱵᱷᱤ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱠᱮ ᱵᱟᱦᱟᱨ ᱠᱮ ᱞᱚᱜ ᱵᱷᱤ ᱩᱥᱠᱚ ᱫᱮᱠᱷ ᱥᱚᱠᱮ ᱡᱟᱱ ᱥᱚᱠᱮ ᱟᱨ ᱩᱥᱥᱮ ᱯᱨᱮᱭᱟᱨ ᱦᱟᱥᱤᱞ ᱠᱚᱨ ᱥᱚᱠᱮ ਸਭ ਸੇ ᱯᱟᱦᱞᱟ ᱥᱚᱵᱟᱞ ᱛᱚ ᱫᱚᱱᱚ ᱡᱚᱱ ᱥᱮ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱥᱟᱦᱮᱵ ᱟᱯᱥᱮ ᱡᱤᱛᱮᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱯᱥᱮ ᱦᱮ ᱠᱤ ᱡᱚᱵ ᱠᱚᱨᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱠᱮᱥᱮ ᱢᱮᱱᱮᱡ ᱠᱚᱨᱛᱮ ᱦᱮᱸ ᱫᱮᱠᱷᱤᱭᱮ ᱡᱚᱵ ᱤᱥᱢᱮ ᱯᱚᱛᱟ ᱠᱮ ᱯᱟᱨᱥᱚᱱᱟᱞ ᱤᱱᱴᱟᱨᱮᱥᱴ ᱮᱠ ᱦᱮ ᱯᱟᱨᱥᱚᱱᱟᱞ ᱤᱱᱴᱟᱨᱮᱥᱴ ᱢᱤᱱᱥ ᱠᱤ ᱡᱚᱵ ᱠᱚᱨᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱵᱷᱤ ᱡᱚ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱵᱟᱪᱛᱟ ᱦᱮ ᱩᱥᱠᱚ ᱥᱟᱦᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱥᱮ ᱠᱤᱥ ᱛᱟᱨᱟ ᱥᱮ ᱢᱮᱱ ᱩᱥᱠᱚ ᱤᱭᱩᱴᱤᱞᱟᱭᱤᱡ ᱠᱚᱨ ᱠᱤᱥ ᱛᱟᱨᱟ ᱥᱮ ᱩᱥᱠᱟ ᱤᱥᱛᱮᱢᱟᱞ ᱠᱚᱨᱚ अगर मान लीजिए कि बहुत लोग हैं जो जॉब करने के बाद जो टाइम बचता है वो फैमिली के साथ ही बिताते हैं या फैमिली के साथ ना बिता के दोस्त के साथ बिताते हैं या नहीं तो दूसरे दूसरे कामों में बिताते हैं तो मैं चाहता हूँ कि ये टाइम को सही इस्तेमाल करें फैमिली के साथ भी बिताता हूँ जैसे उसी के साथ साथ मैं सोशल एक्टिविटी में भी बिताता हूँ मेरा फैमिली भी सोशल एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं तो इसी वजह से हम एक ही साथ सब एक ही साथ एक ही काम कर रहे हैं तो हमारा फैमिली हम अलग है उनको टाइम नहीं दे पा रहा ऐसे लगता नहीं सारे मिल करके समाज सेवा में लगे हुए हैं तो फैमिली को टाइम देना और समाज को टाइम देना एक ही चीज एक ही चीज हो गया ऐसे ही हो जाता है और आप दीपक जी आप कैसे समय निकाल पाते हैं इन सब के लिए आप क्योंकि मुझे बताया गया है कि आप पूरा इंडिया घूमते रहते हैं टूर पे हमेशा रहते हैं एकदम मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था स्कूल में जब था तो 74 आंदोलन जो देश में हो रहा था उसमें स्कूल में था छोटा था फिर उस आंदोलन से बहुत प्यार था और जब कॉलेज में मैं आया ऑनर्स के समय इस देश का एक क्रांतिकारी छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन उससे मुलाकात हुई और कॉलेज में पहली बार इस ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में भगत सिंह का शहादत दिवस का आयोजन किया गया ये आप पहली बार कह रहे हैं तो इससे पहले वो एक बड़ा इवेंट नहीं हुआ नहीं 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 कहीं पर छिटपुट एक नहीं 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 उस कॉलेज में मैं सुना भी नहीं था कि भगत सिंह को कभी याद किया गया हो यूजुअली लोग अपने अपने मोहल्ले में घर में या कहीं याद करते हो बात अलग है कॉलेज का प्रोग्राम के तौर पर हुआ नहीं था ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी इसी क्रम में चूंकि ये सभी ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे का पार्ट है इसी क्रम में ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी से भी ये मिला वो एक साइंस मिला जुड़ने का मौका मिला और ये साइंस और साइंस फील्ड में काम करने वाले टोटल ये है साइंटिफिक टेंपरामेंट को बढ़ाने के लिए साइंटिफिक आउटलुक को समाज के अंदर बढ़ावा देने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है यदि आदिवासी और संथाल की बात करेंगे तो उसके लिए साइंस की बहुत ही जरूरत है साइंस की जरूरत है चूंकि आप जानेंगे नहीं है ना तो समाज में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और समाज को बदल भी नहीं पाएंगे अपने परिवार के लोगों को अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ा भी नहीं तो अगर हम सही समझे तो अगर समाज को आगे बढ़ना है तो साइंटिफिक टेंपर होना पड़ेगा जो जो बहुत ही जरूरी होना अब जितन डॉक्टर साहब से सवाल है कि उनके तो सारे ऑर्गेनाइजेशन हम लोग जान लिए किस किस से रिलेटेड है आप किस 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 ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं काम कर रहे हैं किसको हेड कर रहे हैं किनसे मैं अभी ऑर्गेनाइजेशन एक तो संथाल हमारा मैंने हमारा जो संथाल ऑर्गेनाइजेशन ऑल संथाल एसोसिएशन से जुड़ा उसके साथ साथ मैं जुड़ा हूँ मेडिकल सर्विस सेंटर करके एक ऑर्गेनाइज
एनएसयूआई मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन और एक ये ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी से भी मैं जुड़ा और ये ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम लेता है सोसाइटी के लिए। जैसे सोसाइटी में जितना ये जो रेशनल माइंड साइंटिफिक माइंड साइंटिफिक ब्रेंड ऑफ माइंड बनाने के लिए ये एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी एक्चुअली हमारा साइंस का एप्लीकेशन हर क्षेत्र में डिफरेंट टाइम में मैं देखा। एक बार आपको याद होगा कि बॉम्बे हाईवे में बॉम्बे में वहाँ पे एक जगह में अचानक समुंदर में मीठा पानी निकालने लग गया, सब लोग मीठा पानी पीने लगे। वो लोग कह रहे यहाँ से मीठा पानी निकल रहा है, यहाँ मीठा पानी है, समुंदर का पानी भी मीठा हो रहा है। वहाँ पे बहुत लोग विश्वास करने लग गए भगवान का देन ये सब। लेकिन तुरंत ही ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी उसको एक्सप्लेन करके बता दिया कि वहाँ पे नीचे मिट्टी नीचे से पानी निकल आ रहा था। वो एक्सप्लेन करके बता दिया कि ऐसे कुछ भगवान भगवान की बात नहीं है। मतलब ये जो हर विश्वास के पीछे साइंटिफिक अगर साइंटिफिक लॉजिक एक्सप्लेनेशन देने का कोशिश हर चीज के पीछे साइंटिफिक पॉज। अब क्योंकि हमारे ऑडियंस मैक्सिमम संताल ही होंगे और तो एक जमालपुर से आप दीपक जी हैं तो वहाँ पर भी संताल हैं आदिवासी हैं थोड़े कम नंबर में है इस झारखंड और संताल परगना क्षेत्र से। तो क्योंकि आप इतने जगह घूमे दोनों ही जन तो और आप पुरुलिया से हैं डॉक्टर साहब तो ये आपको कोई डिफरेंस दिखता है कि दोनों जन से सवाल है कि जमालपुर झारखंड उड़ीसा बंगाल या फिर आदिवासी जो आसाम में रहते हैं कोई डिफरेंस है और समानता भी डिफरेंस भी दोनों चीज नहीं है एक डिफरेंस है मैं ये समझ सकता हूँ अच्छी तरह डिफरेंस है। एक्चुअली क्या है हमारा यूनिफॉर्म कनेक्टिविटी ना होने की वजह से एक्चुअली जैसे बंगाल का एक बंगाली कल्चर एक डेवलप हुआ कोलकाता को बेस कर और सब कुछ है कोलकाता मुखी मतलब कोलकाता फेसिंग हुआ। ये आदिवासियों का ऐसे कुछ नहीं रहा इसलिए रीजन टू रीजन थोड़ा थोड़ा कल्चर लैंग्वेज इसमें थोड़ा सा थोड़ा अपना हल्का का डिफरेंस है लेकिन मूल जो सुर कल्चरल जो मूल जो सुर या हरखान के पेड़ा ये जो मूल सुर नोट तो कोनो रकम डिफरेंस होगा बोले जब तो जाएगा रे कि अब तो जाएगा संताल तो बांग होड़ करना होड़ करना होड़ करना हाँ अब तो जब कंपन जब पंग गल मरा तो जब पंग लेन खान के आधा सजाई पे जाए ये चिली होड़ करना पे अन्य चिली होड़ करना है ताले त्याग याला से जो आ से उकाल कर सजाई ही हुआ जब तो कल हाथ सजाई की बोल सिंदरा अगर ताले का मैंने जहाँ मूल जहाँ रहा उनको कर दो उन्हें तो बोल मिल गया रोड तो थोड़ा अंतर ते चितान लतार रही हुई ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱦᱮᱸ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱛᱮ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱨᱚᱲ ᱫᱚ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱤᱱᱯᱷᱞᱩᱭᱮᱱᱥ ᱨᱤᱡᱱᱟᱞ ᱤᱱᱯᱷᱞᱩᱭᱮᱱᱥ ᱰᱟᱭᱞᱮᱠᱴ ᱠᱟ ᱟᱫᱟᱨᱣᱟᱭᱤᱡ ᱢᱟᱱᱮ 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 ᱥᱩᱯᱟᱨᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱟᱞ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱥᱟ ᱡᱚ ᱰᱤᱯᱷᱟᱨᱮᱱᱥ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱮ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱹᱠᱤ ᱵᱟᱡᱮᱴ ᱵᱟᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ जितना हम लोग का व्यवस्था वगैरह है मंजी प्रोग्राम ना को ना लोग त्यौहार तो तो मिल किताब आप लोग आदिवासी समाज के बीच काम कर रहे हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि हमारा आदिवासी समाज और उसमें भी संताल मैंने पिछड़ा वर्ग में ही आते हैं हम लोग पिछड़ा काफी पिछड़ा इकोनॉमिकली सोशली एजुकेशनली हर फील्ड में तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोग को लगता है कि ये सारे प्रॉब्लम्स पिन पॉइंट माने एजुकेशन ये वगैरह माने ये सब सबसे बड़े मुद्दे हमारे लिए अभी हैं और फिर उनका सॉल्यूशन भी कि इसको इस तरह से टैकल करने से आसानी होगा या फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं सब समय के साथ। नहीं दीपक तक जो अभी जो बोल रहे थे ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है पहले भी मैं नोट किया। बात यह है आदिवासी लोगों के अंदर एक चीज जो चीज कमी है एक्चुअली कल्चरली वी आर नॉट माने कल्चरली हम पिछड़े नहीं है कल्चरली माने कल्चर जो एक इंसान का जो कल्चर होता है
रिच कल्चर है, लेकिन हम लोग उसको दूसरे को इसको दिखाने पर दिया, लेकिन दूसरा उसका महत्व नहीं समझा हमारा। हाँ, बात ये है, इंटरनल जो कल्चर है, हर आदमी का जो इंटरनल जो कल्चर होता है, ये रुचि संस्कृति के जगह का जो हिसाब अगर वो जगह देखेंगे उसी जगह में, लेकिन एक ट्राइबल पर्सन दूसरे से उन्हें बन बहुत ही उच्च दर्जे का होता है, माने इंटरनल जो कल्चर है ये अगर देखेंगे। बात ये है जिस जगह में हम सबसे ज्यादा, मैंने ये आदिवासी मैंने हम जो जिस जगह में हम सबसे पीछे है वो है एजुकेशन। आज का जो रिजर्वेशन का जरूरत पड़ रहा है ये सिर्फ ये एजुकेशन का कमी के वजह से ही। ये जो बोल रहे थे, जो ये जो एक मूवमेंट चल रहा था, मैं भी वो देखा सुना कि जब डिमांड किया कि साइंटिफिक सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक एजुकेशन, हमारा देश का तो ये इसके आसपास भी नहीं जाता। तो बात ये है, इस तरह का एक एजुकेशन अगर हर, मैंने एजुकेशन फॉर ऑल, राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल, ये अगर किया जाए तो मेरे ख्याल ये ट्रैवल पीपल का घर से जो लड़का उभर के आएगा वो लोग भी दूसरे के बराबर फाइट करते हुए आएगा, स्ट्रगल करते हुए आएगा, एक ही जैसा एजुकेशन अगर मिले, अपॉर्चुनिटी अगर मिले। राइट टू एजुकेशन तो शायद ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं, एक्चुअली राइट टू एजुकेशन मैं कानून में बना दिया लेकिन बात यह है मैं एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दिया, पैसा से खरीदना पड़ेगा, मेरे पास पैसा ही नहीं है तो राइट टू एजुकेशन मैं अवेल कैसे करूँ, स्पेशली दिक्कत हो रहा है ट्राइबल्स में और पिछड़े वर्गों में काफी ज्यादा ये हो रहा है, इकोनॉमिकली पिछड़े हो गया, ठीक है ना। तो राइट टू एजुकेशन हाँ तुम पढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हारा तुमको पैसा लाना पड़ेगा, यू हैव टू परचेज। ये तो एक एजुकेशन के फील्ड में, और भी कोई तो वैसे इसके अलावा मेरा नजर में कुछ आया नहीं कि ये कॉम टैलेंटेड है, कॉम ये है, मैंने कॉम इसका ब्रेन का कैपेसिटी कॉम है, ये सब कभी मुझे लगा नहीं। मेरा बराबर ही लगा कि ये अगर इसको चांस मिलता तो ये काफी अपर मतलब हाई लेवल अपॉर्चुनिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, और उसको गाइड करने, गाइड करना, गाइड और अपॉर्चुनिटी प्लस सपोर्ट, अगर सपोर्ट मीन्स हम तो सोचते हैं कि पीछे से इकोनॉमिक सपोर्ट, अगर सारे बच्चे को अगर एक ही साथ एक ही हॉस्टल में रखा जाए गवर्नमेंट, मतलब मैं कह रहा हूँ कि सपोज हाइपोथेटिकली अगर आप सोचते हैं कि गवर्नमेंट अगर सोच लिया कि सारे बच्चे को इक्वल एजुकेशन दे जाएगा और सारे बच्चे को उठा के एक हॉस्टल में रख रहा है, सबको पढ़ा रहा है, सबको एजुकेशन दे रहा है, माने रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट ये सब कास्ट बेस, तो अगर दिया जाए या अगर देता सरकार, तो मेरे ख्याल कोई बच्चा से भी कोई भी अलग नहीं कर सकता वहाँ पे, सब बहुत सारा टैलेंटेड बच्चा एक ही लेवल के 19-20 जो कहते हैं, जो 19-20 डिफरेंस जो होता है। एक मिनट, मैं दो समस्या है जो संथाल आदिवासी के जीवन से गंभीर रूप से जुड़ा हुआ है, वो सबके माना जीवन से जुड़ा हुआ है, परंतु ये मैं गंभीरता से नोट किया स्पेसिफिकली संथाल सेंट्रल। ये देखेंगे आप कि जितनी गाड़ी ट्रेन है झारखंड से जाती है दिल्ली की, उस सभी में मैक्सिमम आदिवासी संथाल नौजवान उसमें भर के जाते हैं दिल्ली में काम के लिए। काम पहले बंगाल जाते थे, अब अंग्रेजों ने एक समय भेजा असम चाय बनाने भी भेजे है ना, और रेलवे लाइन बिछाने के लिए भेजा। आज ये पूंजीवादी समाज इन आदिवासियों को कंपेल कर रहे हैं अपना घर छोड़ करके वो दिल्ली और पंजाब कमाने के लिए, है ना। आदिवासी बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां दिल्ली में मतलब उनका बाजार लगता है उनको काम देने के लिए, है ना, घरों के अंदर काम देने के लिए। ये काफी मात्रा में पलायन हो रहा है, बिहार से भी हो रहा है, झारखंड से भी हो रहा है, ये गंभीर समस्या है। यदि उनको रोजगार दिया जाता, यहाँ मिलता अपने अपने जगह पर, है ना, तो उन्हें ये पलायन अपना घर छोड़कर पलायन नहीं करना पड़ता। घर छोड़ने से कई तरह की समस्याएं आती है, खास करके बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए तो सिक्योरिटी का भी सवाल है ना, वो भी तब वो तनाव वाला भी छिन्न भिन्न होता है। एक ये गंभीर समस्या है। दूसरा, आदिवासी लोग मुख्यतः वो खेती से जुड़े हुए हैं, है ना। आज क्या हो रहा है, जगह जगह पूरे देश के अंदर उनकी जमीनों को छीना जा रहा है, कॉर्पोरेट के लिए, है ना, बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए उनको
जमीन से बेदखल किया जा रहा है, खेती के लायक उनको सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता है, कॉरपोरेट जहां जहां अपना कारखाना लगा रहे हैं वो पानी भी निकाल रहे हैं, है ना, जंगल काट रहे हैं उसके लिए। ये जो जल जंगल जमीन, ये उनके जीवन में, इनके जीवन में तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसी के चारों बगल है ना, पूरा जीवन है ना, जीवन है, इसी के इर्द गिर्द घूमता है, और इस पर ही सबसे ज्यादा हमला आज हो रहा है इस सेटअप में, इस सामाजिक व्यवस्था में, है ना। तो अब क्योंकि ब्रेक थ्रू का भी बात, ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी का भी बात आ गया, तो ट्राइबल सोसाइटी में आप दोनों को क्या लगता है कि ये साइंटिफिक टेंपर का कमी है, या फिर माने हमारे में है, अलग तरीके से है, ये भी हो सकता है, बहुत समय होता है, और अगर कमी है तो फिर इसको कैसे, क्योंकि संविधान में भी साइंटिफिक टेंपर डेवलप करना एक इंडिविजुअल का फंडामेंटल ड्यूटी है, तो माने इसको किस तरह से आप लोग देखते हैं साइंटिफिक टेंपर? संताल क्या है, इसी में एक बात, बहुत बात होता है कि संविधान में तो सब कुछ लिखा हुआ है, संविधान के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमारा तो तरक्की तरक्की है। साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड बनेगा ऐसे सिर्फ कागज में लिखा हुआ रहने से होगा। ब्रेक थ्रू साइंस, एक्चुअली ट्राइबल सोसाइटी में साइंटिफिक माइंड का बहुत ही जरूरत है, एडुकेशन ना होने के वजह से, या आज के दिन में एडुकेशन रहते हुए भी जो अनएजुकेटेड जो है, माने मेजोरिटी है यार, इसी के वजह से रैशनैलिटी काम नहीं करता, माने कोई भी तर्कसंगत कुछ डिसीजन लेना, तर्कसंगत रास्ता से चलना, ये सब चीज का ये आदिवासी समाज में कमी है। आज दो आदमी अगर नशा करके आया, कुछ पी के आया, आधा अगर जोर जोर से शोर हो जाए, तो वहाँ चार एडुकेटेड आदमी भी चुप हो जाएगा, छोड़ो जो बोल रहा है बोलने दो, उसका बात ही मान लो, क्या दिक्कत है, ऐसे हो जाता है। गांव में किसी महिला को डाइन बता दिया जाएगा, वो पूरा असर है, और उसके साथ हर तरह का जला लगता है, डाइन भी बताने वाला और दारू पीने वाला लोग है, ठीक है, ये होता है। तो इसलिए साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, ये बहुत ही जरूरत है ट्राइबल सोसाइटी में, क्योंकि एडुकेशन अगर आगे बढ़ता रहे, साथ साथ ये साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड भी अगर बनता रहे, तो कम से कम ये जो डायन को लेके अभी भी काफी जगह में खबर में, न्यूज में आता है, ये सब नहीं मिलेगा देखने को। तो ये जो चेंज आप कह रहे हैं कि कमी है हमारे में साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड का, तो ये कमी को खत्म करने का क्या एक ये हो सकता है? फिलहाल तो मेरे ख्याल जैसे लगता है ये ब्रेक थ्रू जैसा ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से एक आगे बढ़ा जा सकता है, उसके साथ साथ माने एजुकेटेड पीपल भी बढ़ना चाहिए साथ साथ। हाँ, और एक चीज होता है, आज भी माने बहुत रेयर इंसिडेंट, अभी भी कोई ऐसा हमारा सोसाइटी में मेरा नज़र में आया नहीं कि बोले कि नहीं तुम लोग गलत बोल रहे हो, ये सही है, ये साइंटिफिक है करके उसके लिए वो लड़ाई कर खड़ा हो जाए अकेले। अगर मान लीजिए पूरा जनता एक तरफ और वो अकेले एक तरफ, इस तरह से हिम्मत दिखा के खड़ा हो जाए, टू टेक अ स्टैंड, हाँ, जो होता है स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेगा, ऐसे नजर में नहीं आया, वो डेवलप करने, हाँ, करना चाहिए, हम लोग भी डेवलप करना चाहिए। तो ये स्लोली हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि ये हो रहा है धीरे धीरे, कुछ कुछ तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। गांव-गांव में एकदम लोगों को लाइब्रेरी खोलना चाहिए, फ्री कोचिंग सेंटर खोलना चाहिए, हाँ, जो सचेतन यूथ जो इन सब चीजों को लेकर के, चाहे वो आदिवासी मतलब पढ़ा लिखा यूथ हो, चाहे वो दूसरे समाज का हो, गैर आदिवासी भी पढ़ा लिखा ही हो, तो उसको अपने गांव के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर पुस्तकालय बनाना चाहिए, फ्री कोचिंग सेंटर खोलना चाहिए, आप दोनों के पढ़े लिखे डॉक्टर्स को फ्री हेल्थ कैंप लगाना चाहिए, बहुत बड़ा हाँ तो प्लेयर होगा। और बराबर एक बात है, ये ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी, अगर मान लीजिए कि इसी मैं मतलब शुरू में तो मैं हाइपोथेटिकली बताऊंगा, यहाँ हम सोच रहे हैं
तो मान लीजिए कि इसी एरिया में अगर ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी अगर हो जाए, अगर यहाँ पे कदम रखे, और अगर ऐसे गांव गांव में अगर यूथ को डिफरेंट जगह जगह में कैंप करें कि आज साइंस को लेके डिस्कशन, वहाँ का जो मैंने अंधविश्वास मैंने आंधापत्ति है तरपर जहाँ नहीं है बुमा बुर ठेरी फेरी जहाँ मैंने जहाँ बड़ी जहाँ का उन्हें अभी करते जिदी चर्चा है गलमरा है जहाँ को रखा करना नवा नवा कोड़ा को सला नहीं को डिस्कशन है ताहे खान उनको को उगर और न्याम को बुझे होती होगा जब बाग नहीं तो ऐड किया है ना ये बारे लेकिन इसका हमेशा इनिशिएटिव जो होगा इट हैज टू कम फ्रॉम एजुकेटेड और जो ऑलरेडी ऊपर आ जाए. तो अब मेरा ये सवाल है कि क्योंकि ट्राइबल सोसाइटीज के जो भी लोग आगे बढ़े हैं बहुत समय ये होता है कि वी हैव टेकन बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम. तो ये रिजर्वेशन लेने के बाद या फिर अगर रिजर्वेशन नहीं भी लिया है तो जो एजुकेटेड और वर्किंग क्लास पीपल हैं हमारे बीच क्या वो लोग वापस सोसाइटी को दे रहे हैं या फिर आप लोगों को क्या लगता है आप इतने लोगों से मिलते हैं तो वापस दे रहे हैं या फिर ज़्यादा करना चाहिए या फिर शुरू करना चाहिए किस तरह से आप देखते हैं. कुछ लोग तो दे रहे हैं कुछ लोग दे रहे हैं जिसका उदाहरण है ये गोटा भारत सिंधु कानू पुल बैसी है ना इसके कार्यालय में हम बैठे हुए हैं है ना. वो ऐसे लोग तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए समाज की जो विरासत है ये सिंधु कानू का बिरसा मुंडा का है ना कोल विद्रोह का ये सब जो है ना गुलाम आंदोलन का उसको आगे बढ़ा रहे हैं. ऐसे ही लोग इस तरह के जो सेंसिटिव पीपल हैं कंसियस पीपल हैं इन लोगों को ही ये सब जिम्मा भी इसके साथ साथ करना पड़ेगा है ना. इसका जो कार्यक्रम वो कर रहे हैं उसके अलावा इस तरह का कार्यक्रम भी करना पड़ेगा. गांव गांव में पुस्तकालय खोलना है ना बच्चों के बीच में कंपटीशन कराना मतलब कंपटीशन मतलब लिविंग कंपटीशन है ना पूरे देश दुनिया को जोड़ते हुए क्योंकि एक चीज आदिवासी संथाल नौजवानों को भी भूलना नहीं पड़ेगा जो कंसियस नौजवान है पढ़े लिखे नौजवान है कि आप आज ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं ये जो दुनिया अपने में सीमित है ना इस दुनिया को पूंजीपतियों ने ग्लोबल विलेज गांव कह दिया विलेज बना दिया है ना वो ग्लोबली पूरा यूनाइटेड है और ठीक उसके काउंटर में ये सारे लोग जो कंसियस पीपल है प्रोग्रेसिव पीपल है सोशल वर्कर है ना जो सोसाइटी को एडवांस करना चाहते हैं चाहे पर्टिकुलर वो अपने सोसाइटी के दायरे में ही क्यों ना हो है ना वो भी मतलब वो पूरे दुनिया के आंदोलन का एक पार्ट के तौर पर हो जा रहा है. हम तो ऐसे ही देख रहे हैं आपकी एक्टिविटी को उर्वशी की एक्टिविटी को हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो प्रगतिशील आंदोलन चल रहा है समाज को एक नया समाज बनाने का जो कार्यक्रम चल रहा है उसका एक पार्ट एंड पार्शियल है आपका काम है ना. इससे मैं भी प्रभावित हुआ खास करके आप ये जो पदयात्रा करके गए लोग जगह जगह गांव के अंदर देखा है ना दुमका से बना तक में तो ये लोग बीच बीच में लोगों को कंसल्ट भी करते हैं है ना तो, अच्छी संस्कृति का पाठ भी पढ़ाते गए लोगों को तो, इसको बहुत व्यापक पैमाने पर करना पड़ेगा. तो ये जो आप कह रहे हैं कि इसको और व्यापक तरीके से करना है और मैंने बहुत समय होता है कि हमारे बीच भी और ये स्पेशली जितन डॉक्टर साहब से सवाल है कि आप तला रहे हो आयमा अचीवर्स मिना नुका दमांग करना टैलेंट ना कमी मिना आयमा को लहाव करना बच्चों चे हुयो करना कि अपना रा मीडिया बांग बनु ते आयमा दम चे हुयो कि मेनस्ट्रीम मीडिया या फिर रीजनल मीडिया हो आप वा जे अचीवमेंट करना उना तो या तो न्यूज में पीछे धकेल दिया जाता है या तो फिर आता ही नहीं. कल जैसे आप लोग यहाँ आए हुए थे डिस्कशन के लिए बुल भवन में बुल बैसी के हेड ऑफिस में तो आपका डिस्कशन के बारे थोड़ा सा कंक्लूजन क्या आपका एक्सपीरियंस रहा यहाँ दुमका आकर. दुमका आकर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा जो लोग डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया वो बहुत एंथुसियास्टिक है एक्टिव भी है काम में सब लोगों का मैंने बात यह है कि जो ये लोग मैंने मेजोरिटी था रिटायर्ड लेकिन बात यह है कि हम ये लोग रिटायर्ड है लेकिन वो लोग वृद्ध हम नहीं कर सकते मतलब बुजुर्ग हम नहीं कर सकते
बुजुर्ग उसको कहते हैं जो लोग बैठ जाते हैं, जो लोग और कुछ नहीं करते, लेकिन ये लोग था युवा बुजुर्ग, ये लोग था युवा, ठीक है, अभी भी एक्टिव सर्विस में है, एक्टिवली कर रहे हैं, ठीक है, और चाहत है ड्रीम है, अभी भी कुछ करने का, गिव बैक टू द सोसाइटी ये। और एक चीज अच्छा लगा कि नया चीज को एक्सेप्ट करने का मानसिकता अभी भी रखते हैं, जो आप कह रहे थे साइंटिफिक टेंपर, नहीं दूसरों से कुछ नई बातें मिल रही है, हम उसको बहुत ही ऑनर दे रहे हैं, सुन रहे हैं और उसको ले रहे हैं, ओपन माइंड, यस ओपन माइंड, फिर अपना रैशनलिटी और ये यूज रीजन यूज करना क्या सही है क्या सही, मैच्योर ब्रेन है इसलिए ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन ये चीज हमारा यंग स्टफ में भी ये आना चाहिए, इस तरह का सोच विचार, ताकि नया नया जो सोच आ रहा है हमें, हम उसको जाने पहचाने, अगर लेने लायक है तो ले लें, इस तरह का मेंटेलिटी भी हमें, लेकिन सबसे पहला कंडीशन प्री कंडीशन तो है कि एक ओपन माइंड होना चाहिए, सबके व्यूज सुना, हमारे से मिलता हो ना मिलता हो, मिलता ये तो। अब जैसा यूथ अब का बात आ गया कि आपने क्या वर्ड वो यूज किया बुजुर्गों के लिए कि युवा बुजुर्ग है, युवा बुजुर्ग है, हाँ तो वही है कि अब इंडिया और आदिवासी अभी, अब तो हम लोग एक यूथ नेशन की तरह वर्ल्ड में इमेज है, तो यूथ को क्या मैसेज है आप दोनों को? यूथ का मैसेज तो देना चाहिए बहुत, कोई ही ये वही मैसेज है जो काल इन लोगों ने जो देखा, यूथ को होना चाहिए, यूथ का माइंड होना चाहिए ओपन, कोई भी आइडिया नया आइडिया को समझने जानने का जरूरत है, अगर वो एक्सेप्टेबल है, अगर देखा जाए कि वो आगे बढ़ाने के लिए, सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, सोसाइटी अगर आगे बढ़ेगा तो वो इंडिविजुअल भी आगे बढ़ेगा, सोसाइटी अगर आगे बढ़ रहा है मैं भी आगे बढ़ूंगा, ऐसे सोच विचार अगर आए उसको एक्सेप्ट करने का, तुरंत एक्सेप्ट करने का, मैं बेहिचक एक्सेप्ट करने का मानसिकता भी होना चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा है हमारा, जहाँ भी हम मीटिंग में बैठते हैं, चर्चा करते हैं, काल भी मैं जो चीज़ देखा, थोड़ा सा एक चीज मुझे थोड़ा सा कमी नज़र आया, वो है जो हमारा यूथ, वो हमारा वॉलंटियर है, वो तो काम में लगे हैं, वो लोग ये चर्चा सुनने, अच्छा ठीक है, लेकिन सुनने का जरूरत तो यूथ का है, क्योंकि दे आर द नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, और ये सब चीज वो अगर अभी ना सुन के ना सीखेगा, वो नेक्स्ट टाइम में जब वो लोग जब बड़ा होगा, वो लोग जब सीनियर होगा, तो वो लोग क्या मैसेज देगा, ये सब चीज को हमें सबको ही ध्यान देना चाहिए, और उन लोगों को भी एक मैसेज, वो साइंटिफिक सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक माइंड से सब कुछ को स्टडी करें, साइंटिफिक और बेंड ऑफ माइंड बनाए। मेरी जो इस समय के लिए आखिरी बात कि ये जो देश हमारा, ये समाज, खास करके मैं आदिवासी संथाल के नौजवानों से अपील करना चाहूंगा, इस समाज को बहुत गहराई से उन्हें समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। कल हमने अपील भी किया यहाँ जितने लोग मौजूद थे कि नवंबर रेवोल्यूशन का, नवंबर रेवोल्यूशन मीन्स रूसी क्रांति, जो दुनिया में पहली समाजवादी क्रांति थी, जिसने पहली बार दुनिया में, क्रांतियां बहुत हुई, सारे समाज में परिवर्तन क्रांतियों के माध्यम से ही हुआ है ना, एक अवस्था से समाज का दूसरे अवस्था में परिवर्तन, परंतु रूसी क्रांति, नवंबर क्रांति पहली क्रांति दुनिया में थी जिसने मानव के द्वारा मानव का जो शोषण, इसकी कड़ी को तोड़ा, उस
उसका ये शताब्दी वर्ष है और उसको लेकर आयोजन हो रहा है कलकत्ता में, सबों को शामिल होने के लिए मैंने अपील किया है। मैं कहा और मैं कहना चाहता हूँ आज कि आदिवासियों की समस्या कोई अलग से समस्या नहीं, क्योंकि इस देश के कुछ, इस समाज के, हमारे समाज के ही कुछ लोग, आदिवासी समाज के भी कुछ लोग ये समझवाद दिखाते हैं, सपना दिखाते हैं कि आदिवासियों का एक सुंदर समाज हम बनाएंगे, सिर्फ आदिवासियों का, है ना, तो इस झारखंड को हम बनाएंगे। या तो वो माना जानकार नहीं है, कम जानते हैं, अबोध हैं, नासमझ हैं, और नहीं तो वो ये जो झूठ बोलते हैं, लोगों को ठगते हैं, गरीब लोग हैं, वो समझ गए, वोट के लिए सिर्फ करते हैं, एकदम हमारा स्वर्ग झारखंड बनाएंगे। कभी भूलना नहीं चाहिए कि आप इस ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, है ना, ये पूरा इकोनॉमिक सेटअप है, इस देश, जिस देश में रहते हैं, ये भारतीय पूंजीवाद, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, ये आइसोलेशन में जीने वाला संस्था है, चला गया। ये इसके पास एक बड़ा मिलिट्री है, देखिए आप इस झारखंड को, अंग्रेजों के खिलाफ जितना लड़ाई हुआ इस झारखंड, है ना, खास करके ये क्या नाम है, सिद्धू कानू और बिरसा मुंडा, इन लोगों के नेतृत्व में अंग्रेज इतना आतंकित था, आज भी झारखंड के अंदर वो मौजूद है, अंग्रेजों का बनाया हुआ मिलिट्री कंटोनमेंट, जितना मिलिट्री कंटोनमेंट इस छोटे से झारखंड में है, रांची जैसे शहर में दो दो कंटोनमेंट है, ये आपको किसी शहर में नहीं मिलेगा, है ना, बगल में 40 किलोमीटर में ये है, इसलिए रामगढ़ में है। तो ये याद रखना चाहिए कि इस समाज व्यवस्था को बिना आप फाइट किए, इससे बिना लड़े, ठीक है, आप जो सुंदर समाज करते हैं, एकदम हमारा स्वर्ग जैसा समाज जिसको सोवियत रूस ने बनाया था, वो आप नहीं बना सकते। इसलिए असंख्य नौजवानों को एक महान दार्शनिक कार्ल मार्क्स, उनका जो ये नारा, दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के सारे शोषित पीड़ित लोग एक हो, चाहे वो आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, कोई भी हो, सबको आज यूनाइटेड होकर लड़ना पड़ेगा, एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। जो CNTSPT एक्ट के खिलाफ लड़ाई हुई, ये सिर्फ आदिवासियों की लड़ाई से सरकार पीछे नहीं हटा, पूरा समाज सारे लोग मिलकर के लड़े, इससे सरकार पीछे नहीं हटा, आदिवासी साथियों की भूमिका आगे हुई। लोग समझते हैं अंग्रेज डरा था इससे, ये बहुत लड़ाकू है, और ठीक इसी हेरिटेज को यदि वो बरकरार रखे, हाँ, समाज के लिए लड़ने के लिए, उन्नत संस्कृति के आधार पर, और हर लड़ाई में उन्नत विचारधारा चाहिए, सही विचारधारा चाहिए, ये यहाँ से तो आपको लेना पड़ेगा, है ना। जो मैं अंत में SUCI के वॉलंटियर के तौर पर, है ना, हमने जो सीखा वो आपके बीच में रखा, विभिन्न जन संगठनों के माध्यम से आदिवासी साथियों के बीच मिलने का, जुलने का, काम करने का मौका मिलता है। इसका एक अनुभव इस झारखंड के अंदर भी ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के और यूथ ऑर्गेनाइजेशन के नौजवान जगह जगह अवेयरनेस के लिए भी वो अपना साइंस कैंप करते हैं, एजुकेशनल कैंप करते हैं, ठीक है, उसमें हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो डिस्कशन से हम समझे कि साइंटिफिक टेंपर होना बहुत जरूरी, एक ओपन माइंड, सारे तरह के व्यू लेना, और जो हमारे समाज में सिर्फ निर्णय लेना नहीं, पहले समझना, हाँ, समझदारी के साथ अगर लेने लायक है लेना, तब लेना, अपना अपना रीजन यूज कर, हाँ, और मैंने अगर हम लोग को आगे बढ़ना है तो जो लोग समाज को, अगर आगे बढ़ना है हमारे समाज को, तो हमारे जो लोग आगे बढ़ चुके हैं उनको एक स्टैंड लेना होगा, निश्चित, मैंने वो समय अब नहीं रहा कि सिटिंग ऑन द फेंस वाला समय चला गया। और एक